हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम बैक विद द अनदर वीडियो जहां पर मैं स्पेसिफिकली इको के जो डेटा बेस क्वेश्चन और कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन जो होते हैं, जहां पे हमें पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ता है, बीएमआई का कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको मैं नॉलेज बताऊंगा। ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर हम रिसेंट सैंपल पेपर्स की बात करें तो हमें ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में या हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो ये जो इको के कैलकुलेशन बेस्ड और डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमें अच्छे से करके जाने हैं। स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो ये देखिए, आपके सामने इको के डेटा और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, डेटा एंड कैलकुलेशन बेस्ड में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो कि जनरल क्वेश्चन होता है, दैट इज रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। तो देखिए, आपके सामने अज्यूम देयर आर फोर फैमिलीज इन अ कंट्री, फोर फैमिलीज है और सबकी आपको एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो 5000 जो है वो दे रखी है, और इनकम जो है वो थ्री फैमिलीज की आपको दे दी है 4000, 7000 एंड 3000। तो व्हाट इज द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब यहां पर हम पर कैपिटा इनकम को और टोटल पॉपुलेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगी हमारी टोटल इनकम। तो यहां पे देखिए, टोटल इनकम जो है वो 50,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,000 आ चुकी है। अब हम टोटल इनकम ऑफ थ्री फैमिलीज की टोटल इनकम देखते हैं, 4,000, 7,000 एंड 3,000 इज इक्वल टू 14,000 आपको टोटल इनकम दे रखी है। एंड अब हमें तीन फैमिलीज की इनकम पता है 14,000 और हमें यहां पर टोटल इनकम पता है 20,000। तो हम 20,000 में से 14,000 को माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम जो है वो फोर्थ फैमिली की आ जाएगी 66,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। हमें फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले के थ्रू ही इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है बीएमआई कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला देखिए, गीतिका की एज दे रखी है 28 इयर्स ऑफ एज है, उनका वेट दे रखा है 65 kg और उनकी हाइट दे रखी है 1.4 meters tall. She went to a dietitian to know if she is undernourished or overweight. वो वहां पर गई है ताकि के वो पता कर सके कि वो अंडर नरिस्ट है या ओवरवेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बीएमआई। तो बीएमआई जो है वो रेशियो होता है, ये देखिए आपके सामने है, इज द रेशियो ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ द पर्सन और इट इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो ये आपको दे रखा है। तो बीएमआई का कैलकुलेशन जो है, हम फॉर्मूला देखते क्या दे रखा है, वेट यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, हमें वेट को केजीज में ही लेना है और हाइट की बात करें तो हाइट को हमें मीटर्स में ही लेना है। तो बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो अब हम कैलकुलेशन देखते हैं, तो वेट जो है वो केजीज में ही हमें दे रखा है, ये देखिए आपको केजीज में दे रखा है, और आपको हाइट जो है वो भी मीटर्स में आपको दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए आप 65 डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट, हाइट का स्क्वायर डिवाइड, तो 1.4 इनटू 1.4, तो यहाँ पे हमारा बीएमआई आया है 33.16। ये हमें अच्छे से याद रखना है थियोरेटिकल एक्सपेक्ट के लिए भी। अगर बीएमआई जो है वो 18.5 से कम है तो पर्सन जो है वो अंडर नरिस्ट है, और बीएमआई अगर 25 से ज्यादा है तो पर्सन जो है वो ओवरवेट है। तो ये देखिए आपको ओवर, ये हमें अच्छे से थ्योरी के लिए भी याद रखना। तो यहाँ पे गीतिका की अगर हम बात करें तो बीएमआई उसका आया विद यूजिंग फॉर्मूला 33.16। तो यहाँ पे बीएमआई जो है वो है 25 से ज्यादा, इसीलिए वो है ओवरवेट। बिकॉज क्यों ओवरवेट है हमें रीजन भी देना है। देखिए आपको, यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला द डाइटिशियन एडवाइज्ड हर टू अवॉइड ओवर ईटिंग। डॉक्टर ने कैलकुलेशन किया और उन्हें बताया कि ओवर ईटिंग आपको अवॉइड करनी है। तो वहां पे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने कौन सा फॉर्मूला का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला का यूज किया और यहां से हमें पता चला कि गीतिका का बीएमआई जो है वो मोर देन 25 है और डाइटिशियन ने उन्हें बोला कि वो ओवरवेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है।
स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको आंसर्स जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एक टेबल में आपको डेटा दे दिया है, ये देखिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो पंजाब केरला और बिहार का. तो यहाँ पे सबसे पहला आपको एनालाइज करने के लिए पूछ लिया है व्हाट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. तो हमें यहाँ पर देखिए आपको डेफिनेशन लिखनी है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की. नेक्स्ट पूछा है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. तो यहाँ से आपको एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा सबका. हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बिहार का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है. तो यहाँ पे देखिए आपको बिहार हैज हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि थियोरिटिकल एक्सपेक्टेड नॉलेज बेस्ड है. अब हमें पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज दिस स्टेट हैव द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. तो क्यों बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, बिकॉज वहां पर एक तो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है और फूड सिक्योरिटी वहां पर बैलेंस डाइट जो है वो नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए बच्चे ज्यादा मरते हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे ये देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है डेटाबेस से जो कि हमें रिसेंट सैंपल पेपर में दे रखा है. यहाँ पर हमें पूरा डेटा दे दिया है, सिटीजन वन, सिटीजन टू, सिटीजन थ्री, फोर और फाइव का डेटा दे दिया है और हमें एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है. तो देखिए क्या लिखा गया है, मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो कौन सी कंट्री का है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए अगर कंट्री बी की बात करें तो यहाँ पर 600 है, 600 है और सिटीजन टू जो है उसके पास 5000 है. यहाँ पर हम बात करें कंट्री सी की तो 550 है, 400 है, तो यहाँ पर भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री सी में. कंट्री डी की बात करें तो यहाँ पर भी 800 है, फिर अचानक से सिटीजन टू जो है उनका 4800 है, फिर सिटीजन थ्री का 700. तो यहाँ पर भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको सबका आसपास ही है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लग रहा है. तो डेटा से हमें पता चला, हमें डेटा का एनालाइज किया और इससे हमें पता चला कि कंट्री जो ए जो है वहां पर इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज रिलेटेड टू सेम क्वेश्चन है बट ये कैलकुलेशन बेस्ड है. तो यहाँ पर आपको कंट्री ए दे दी है, कंट्री बी दे दी है, सब सिटीजन्स जो है उनकी इनकम दे दी है. तो हमें एवरेज पूछा गया जो कि हम मैक्स में भी मीन कैलकुलेट करते हैं या पर कैपिटा इनकम हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. तो देखिए कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री ए एंड बी. तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो हमने फॉर्मूले से एवरेज इनकम जो है वो निकाल दी. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच आर बोथ द कंट्री इक्वली डेवलप्ड. तो यहाँ पर हमें डेटा से बताना पड़ेगा. तो देखिए आपको यहाँ से पता चला कि पर कैपिटा इनकम तो इक्वल है तो उसके बेसिस पर हम एनालिसिस नहीं कर सकते सेकंड क्वेश्चन का, लेकिन हमें यहाँ से एनालिसिस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए वन की अगर हम बात करें तो 500 है, सेकेंड की 500, थर्ड की सिटीजन की 500, फोर्थ सिटीजन की 500, लेकिन फिफ्थ सिटीजन की अचानक से 48,000 है. तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट सिटीजन की 9500, 10500, 9800, 10,000 एंड 10,200 दे रखी है. तो इसीलिए हमें डेटा एनालिसिस किया और हमें पता चला कि आर बोथ द कंट्रीज इक्वली डेवलप. तो यहाँ पे इक्वली डेवलप नहीं है, हमने डेटा के एनालिसिस के थ्रू किया. थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है विच कंट्री इज बेटर एंड वाई. तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन के थ्रू ही पता लगा दिया, कंट्री ए जो है वो बेटर है बिकॉज वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, लेकिन कंट्री बी जो है वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो ये जो नोट्स है जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डेटा एंड कैलकुलेशन बेस, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल शेपर्स एजुकेशन के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे. अगर आपको ऐसे ही दूसरे मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो सारे हम मटेरियल जो है हमारे शेपर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करते ही रहते हैं. तो आप हमारे शेपर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए.